हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूँ द्वारका के होली महोत्सव में। यहाँ पे सबसे बड़ी फिश टनल लगी हुई है जो दिल्ली में पहली बार लगी है, तो आप अंडर वाटर जाके काफ़ी सारी फिश को देख पाएंगे। यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे कितने की टिकट होने वाली है इस फिश एक्वेरियम की, यहाँ का पार्किंग एरिया, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे। देख सकते हैं यहाँ का पार्किंग एरिया है, तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, आपको आराम से पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे टू व्हीलर के 50 रुपये होने वाले हैं और अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको 100 रुपये लगेंगे पार्किंग के। और पार्किंग बिल्कुल मेले के साथ में ही है, देख सकते हैं, आपको मेला दिखाई दे रहा होगा सामने। पार्किंग में लगाते के साथ ही वहाँ से एंट्री होगी। तो चलिए अब मेले के अंदर चलते हैं, देखते हैं सामने, देख सकते हैं यहाँ की मेन एंट्री है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी फिश लगा रखी है और ये ड्रीम लैंड की तरफ से लगा हुआ है, देख सकते हैं। ड्रीम लैंड का अंडर वाटर टनल एक्वेरियम है, भारत की सबसे बड़ी अंडर वाटर फिश टनल। तो यही था, हम एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं यहाँ पे। देख सकते हैं इसको देखने के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है मेले के अंदर। इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वसंत है होली महोत्सव अंडर वाटर टनल एक्वेरियम फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। और टाइमिंग होने वाली है यहाँ की शाम को 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। 25 फरवरी से लेके 31 मार्च 2024 तक ये मेला लगा हुआ है, द्वारका सेक्टर 11 ग्राउंड नियर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं टिकट काउंटर पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और सामने की तरफ अंडर वाटर फिश टनल है, देख सकते हैं कितनी बड़ी फिश बनाई गई है यहाँ पे। तो हमने ये टिकट ले ली है, 100 रुपये की टिकट मिली है। कुछ ऐसी टिकट आपको लेनी होगी अंदर जाने के लिए, और 5 साल से नीचे के बच्चे की कोई भी टिकट नहीं लगेगी। अगर बच्चा 5 साल का है या उससे ऊपर है तो अभी टिकट लगेगी उसकी। फिर देख सकते हैं मैं टनल के अंदर आ गया हूँ, अब कौन कौन सी फिश देखने को मिलेगी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक्वेरियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले एक्वेरियम है, फिर आगे जाके टनल देखने को मिलेगी। तो इस एक्वेरियम को देख लेते हैं पहले, यहाँ पे कौन सी फिश है। यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी फिशें दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी छोटी छोटी फिश हैं, सारी की सारी देख सकते हैं, बहुत सारी फिश हैं इस एक्वेरियम के अंदर। तो वीकेंड में अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और इस टैंक के अंदर देखो छोटे छोटे कलरफुल लॉबस्टर रखे हुए हैं, तो लोगों को पता नहीं होता, सारे लोग कह रहे हैं केकड़े हैं केकड़े हैं, पर ये केकड़े नहीं होते ना, ये श्रिंप है, ये लॉबस्टर होते हैं छोटे से। तो देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल लेटे हुए हैं सीधे सीधे, काफ़ी सारे इस फिश टैंक के अंदर भी लॉबस्टर। और ये फिश टैंक बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे पहले दिख नहीं रहे थे, मुझे लगा खाली है इसके अंदर फिश होगी, लेकिन ये सारे नीचे ग्रेवल्स के अंदर बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं रॉक रखे हुए हैं यहाँ पे जो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है हर एक्वेरियम को। वो काफ़ी बड़े बड़े एक्वेरियम है, देख सकते हैं सामने की तरफ हिल रहा होगा, आपको एक और लॉबस्टर दिख रहा होगा। और देखो सारे ज़मीन पे लेटे हुए हैं नीचे की तरफ। इसके बाद गोल्ड फिश का एक्वेरियम है, देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी गोल्ड फिश यहाँ पे तैर रही है, सारी की सारी बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये रेड सर वाली दिख रही होगी आपको, ये रेड कैप होती है, ये भी गोल्ड फिश की प्रजाति होती है, रेड कैप बोलते हैं इसको, इसका सर रेड कलर का होता है। यहाँ पे ब्लैक कलर की भी गोल्ड फिश है, ब्लैक मोर बोलते हैं जिसको। तो मेरे को तो सारी फिशों का नाम पता है यहाँ पे ज़्यादातर, बाकी जिसके नहीं पता होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास भी फ़िश टैंक था तो मेरे को सारे नाम पता है फ़िशों के। काफ़ी अच्छी लग रही है अभी, देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्लैक मोर आ चुकी है, भी गोल्ड फिश की प्रजाति है। तो ये फ़िश एक्वेरियम जो भी है सारे 10-10 फुट के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। पहले जो यहाँ पे जो पूरे लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ पे 8 एक्वेरियम देखने को मिलेंगे, तो बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम है। और देखो कितने अच्छे से इनको डेकोरेट कर रखा है, यहाँ पे काफ़ी कलरफुल पत्थर डाल रखे हैं और बहुत बड़े बड़े रॉक लगा रखे हैं यहाँ पे। और इस टैंक के अंदर देखो कितनी सारी फ़िश हैं, बहुत अच्छे से भर रखा है फिश टैंक को, काफ़ी सारी फ़िश देखने को मिलेगी। ये सारी रेनबो फिश है, और जो आपको पीछे की तरफ कलरफुल दिख रही होगी ये सिकलेट है। तो काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, और साथ में ऑस्कर फिश का भी टैंक बना हुआ है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि पहले स्टार्टिंग में आपको छोटी फिश का टैंक देखने को मिलेगा, फिर जब हम आगे से टर्न लेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फ़िश भी देखने को मिलेंगी। और ये वाली फ़िश देख सकते हैं बटर को फेरी है, ये फ़िश भी मेरे पास थी मेरे एक्वेरियम में। यहाँ पे किसी भी फ़िश का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी फ़िश आप देख रहे हैं, तो मेरे को पता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एलिगेटर फ़िश आ चुकी है, बहुत अग्रेसिव फ़िश होती है, बिल्कुल एलिगेटर के जैसे दिखती है, इसका फेस देखोगे आपको ऐसे लगेगा एलिगेटर है, लेकिन ये फ़िश है एक, और इस फ़िश को बोलते हैं एलिगेटर फ़िश। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी अच्छी फ़िश है यहाँ पर देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और यहाँ पर एंजल फ़िश आ चुकी है, तो काफ़ी सुंदर लग रही है एंजल फ़िश भी। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लू कलर की आपको थीम दिखाई देगी, तो चारों तरफ आपका ब्लू ब्लू एरिया लगा रहेगा, तो आपको ऐसे लगेगा आप किसी सी के अंदर आ गए, किसी ओशन के अंदर आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा ब्लू ब्लू आपको फील देगा यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सारे में ब्लू लाइटिंग की गई है। लेकिन इस मेले के अंदर आप आते हो तो वीकेंड में आने से बचना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, तो आप ढंग से फिश देख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है इस टाइम पे। और ये वाली फ़िश देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में छोटी फिश देखने को मिलेंगी, उसके बाद बड़ी बड़ी फिश आ जाएंगी,
और ये देख सकते हैं करीब 10-10 इंच की फिश है, काफ़ी बड़ी बड़ी फिश है और फिश टैंक बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, मज़ा आ जाएगा देखने में। और देख सकते हैं सकर फिश आ चुकी है, ये एल्गी को खाती रहती है, शीशे पे ऐसे चिपकती रहती है, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी सकर फिश है यहाँ पे, पूरे एक्वेरियम को ऐसी सक करती रहती है यहाँ पे, एल्गी छुटाती है क्योंकि एल्गी खाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाती है। और इस फिश टैंक के अंदर ही काफ़ी सारी पाकू फिश भी डली हुई है जो पिराना फिश की प्रजाति होती है। और गाइस आपको यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी और ऐसी फिश देखने को मिलेंगी जो काफ़ी कलरफुल है और बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे को इनका नाम भी नहीं पता, बिल्कुल यूनिक फिश है यहाँ पे रखी गई है, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा आप किसी समंदर के अंदर आके ऐसी फिशें देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये वाली फिश देखो, ये शायद नाइफ फिश होती है, फैदर नाइफ है, तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, आपको कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा इतना ज़्यादा। और इसके साथ में आपको काफ़ी सारी ये टिन फिन बार्ब देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत सारी फिशें रखी गई हैं। और लास्ट में देख सकते हैं ये एक्वेरियम है, यहाँ पे पैरेट फिश को रखा गया है, तो पैरेट फिश बहुत अच्छी होती है, काफ़ी कलरफुल होती है, इसके अंदर रेड और येलो कलर की भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे गोल्डन भी है। स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े 16 एक्वेरियम देखने को मिलेंगे और उसके बाद में ही फिश टनल शुरू होती है जहाँ पे आप अंडर वाटर जाके फिश को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम एक्वेरियम देख रहे थे और सामने देखो टनल शुरू हो चुकी है, तो कितनी खूबसूरत लग रही है टनल, अंदर चल के भी देखते हैं कौन सी फिश देखने को मिलेंगी हमें यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं मैं टनल के अंदर आ चुका हूँ, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है यहाँ पे, ऊपर सारे में पानी भरा हुआ है, पूरी टनल जा रही है जिसके अंदर बहुत सारी फिशें देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे काफ़ी सारी फिशेज को भरा गया है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सारी छोटी छोटी कलरफुल फिशेज हैं यहाँ पे, बहुत अमेजिंग नज़ारा है यहाँ पे, आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी यहाँ पे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी फिश भी हैं, ये फिश टनल इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा 100 रुपये की टिकट इन्होंने ले ली, लेकिन पता नहीं क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मज़ा ही आ गया यहाँ पे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। वाओ कितनी बड़ी फिश है, देख सकते हैं टनल के ऊपर से जा रही है, बहुत बड़ी फिश है ये, वाओ मज़ा आ गया, काफ़ी सुंदर लग रही है, बहुत अच्छा साइज इसका, एलिगेटर फिश है ये भी, बहुत ज़बरदस्त है यार, क्या लाइटिंग की गई है, बहुत सुंदर बनाए गए, देख सकते हैं मैं फिश एक्वेरियम देख के आ चुका हूँ, तो सीधा मेले के अंदर ही आपकी एंट्री होगी, एग्जिट इसका अंदर की तरफ ही है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कोई अंडर वाटर फिश टनल, तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी अच्छी अच्छी फिशें यहाँ पे डाल रखी है, काफ़ी बड़ा है, कम से कम आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे इसके अंदर ही, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो यहाँ पे सेल लग रही है 20-20 रुपये में, सारी आइटम 20 रुपये की हैं, तो उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो देख सकते हैं 20-20 रुपये की हैं सारी, ये 20 रुपये का है तो काफ़ी सारी आइटम मिल जाएंगी ऐसी जो आपको सिर्फ 20 रुपये में मिलेगी, यहाँ पे सेल लगी हुई है देख सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बबल्स वाला भी मिल जाएगा, ये हवा से पंखा घूमता है ऊपर और इससे बबल्स बनाते बच्चे, ये बैग देख सकते हैं सामने जो बैग है ये भी 20 रुपये का ही है, तो यहाँ पे जितना भी सामान अंदर दिख रहा है ना आपको सारा 20 रुपये का है, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। देख सकते हैं मेले के अंदर काफी सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सेल लगाई गई है यहाँ पर, तो यहाँ पे फूड्स के लिए भी काफी सारे स्टॉल हैं जहाँ पे आप अलग अलग फूड्स खा सकते हैं। जब मैं 25 तारीख को आया था जब मेले की ओपनिंग हुई थी स्टार्टिंग में 25 फरवरी को, तब यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल भी नहीं लगे हुए थे और भीड़ भी नहीं हो रही थी यहाँ पे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 मार्च को यहाँ की ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, तो उसके बाद ही देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो आज 2 तारीख को मैं ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, तो देखो यहाँ पे पब्लिक भी अब बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो सबको पता चल चुका है इस मेले के बारे में,
तो आप लोग भी आ सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता था, या अगर आपको अब पता चला है तो इस मेले के अंदर ज़रूर आएँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो दिल्ली की सबसे बड़ी फ़िश टनल लगी हुई है तो उसको भी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये पहली बार लगी है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बाहर तो अब रखती रहती है, बाकी ये परमानेंट नहीं होती है, 31 मार्च तक लगी हुई है, तभी तक आप देख सकते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर आ जाएँ तभी आप देख पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पॉपकॉर्न एंड कॉटन कैंडी, और साथ में ऑल इन वन चाइनीज़ फूड है, तो इस चाइनीज़ कॉर्नर पे आके भी आप खा पाएंगे। तो मैं आके एक बार ही आपको मेन्यू दिखा देता हूँ क्या क्या सामान मिल रहा है यहाँ पे और कितने का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेज स्टीम मोमो 70 रुपये के हैं, पनीर मोमो 90 रुपये के हैं, और फ्राइज मोमोज लेते हैं तो आप 80 रुपये के, पनीर मोमोज यहाँ पे 100 रुपये के हैं, और वेज चाउमीन 80 रुपये की, पनीर चाउमीन 120 रुपये की। बॉम्बे की भेल और चना जोर गरम भी मिल जाएगा यहाँ पर। साहू के फेमस छोले भटूरे और साथ में तंदूरी चाय भी है, तो तंदूरी चाय चल के देख लेते हैं पहले। और यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी है, तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए एलिफेंट वाला झूला है, रिवॉल्विंग वाला। मथुरा वृंदावन की मशहूर लस्सी, तो यहाँ पे आपको कचौड़ी भी मिल जाएगी, आलू कचौड़ी भी है, तो ये मथुरा की फेमस है, तो आप लोग भी यहाँ पे खा सकते हैं, उसका टेस्ट भी ले सकते हैं। तो मेरे को तो अभी कुछ स्ट्रीट फूड खाना नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा रहा यहाँ पर। और साथ में आपको स्प्रिंग पटेटो भी मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश बनाए जा रहे हैं अभी। तो खाने पीने के लिए आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी खा सकते हैं, चाइनीज़ नॉर्थ इंडियन सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। देख सकते हैं किस तरीके से बनाए जा रहे हैं स्प्रिंग पटेटो, तो इनको अभी स्प्रिंग बना दिया गया है, इसके बाद मसाला लगाया जाएगा और फिर इनको फ्राई किया जाएगा। 50 से ज़्यादा आपको फूड स्टॉल मिल जाएंगे यहाँ पर, और 20 से ज़्यादा झूले लगाए गए हैं यहाँ पे, जो काफ़ी सारे झूले हैं, तो आप लोग झूल सकते हैं इन पे। जैसे कि ब्रेक डांस है सामने की तरफ, जाइंट व्हील है, कोलंबस है, और देख सकते हैं कितनी भीड़ है चारों तरफ ही, आपको फूड के स्टॉल दिखाई दे रहे होंगे और बड़े बड़े झूले दिखाई दे रहे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे आ रहा है। और ये दिल्ली का पहला मेला है जो यहाँ पे होली महोत्सव लगा है, तो आप लोग भी इस मेले के अंदर आना ना भूलें, यहाँ पे आपको साउथ इंडियन भी खाने को मिलेगा। और गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, मुझे भी हल्की हल्की गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो आप चुस्की वगैरह भी खा सकते हैं, लेमन सोडा, भेलपूरी, बॉम्बे की, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गेम्स भी मिल जाएगी जिसमें आप प्राइस जीत सकते हैं। देख सकते हैं बॉल है, इस बॉल को सामने मार के और सारे गिलासों को गिराना है, अगर ये सारे गिलास गिर जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइस मिलेगा। नहीं, ये आपको रिंग वाली गेम भी मिल जाएगी जिसके अंदर आप रिंग डालेंगे, तो सामने काफ़ी सारी रिंग्स रखी हैं जिनके ऊपर आप रिंग डाल देंगे, वो ड्रिंक आपकी हो जाएगी। प्राइस एक और ये रिंग वाली गेम है, देख सकते हैं नीचे इतने सारी प्राइस मनी रखी हुई है, जिसके ऊपर आप रिंग डालेंगे वही आपकी हो जाएगी। 100 रुपये के 10 रिंग है, तो आप भी किस्मत आजमा सकते हो अपनी, अगर आपका निशाना अच्छा है तो आप इसके अंदर प्राइस जीत सकते हैं। तो 100 रुपये में 10 रिंग मिलेंगे, 10 के 10 में आप जीत गए, तो देख सकते हैं 100 रुपये के नोट भी रखे हुए हैं, सारी महंगी महंगी आइटम रख रखी है। 10 रुपये की फ्रूटी है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर 20-30 रुपये की है, 100-100 के नोट भी रखे हुए हैं, 200 का नोट भी रखा हुआ है इसके अंदर, वो देखो 100 का और 200 का नोट दोनों मिलेंगे आपको इसमें, तो आप रिंग डाल के 10 रुपये में जीत सकते हैं। और ये एक और गेम मिल जाएगी लकी ड्रॉ वाली, जिसके अंदर 6 बॉल आपको मिलेंगे, तो इन नंबरों के अंदर डालने होते हैं, और जिस नंबर में आप डालेंगे देख सकते हैं सामने जोड़े के नंबर बने हुए हैं, जैसे 32 नंबर 24 12, ये छोटा सा बॉल तो उसके अंदर जाना चाहिए, जब वो नंबर बनेगा तभी आप प्राइस जीतेंगे इसमें। और यहाँ पे बॉम्बे का सबसे फेमस स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ पे आपको बॉम्बे की फेमस पाव भाजी और वड़ा पाव भी खाने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको इंडिया का पहला 12D एंटरटेनमेंट शो भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 100 रुपये की टिकट लेनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे अंदर ये सारे सीन दिखाए जाएंगे 12D में, तो ये सारे आपको जो शो दिखाए जाएंगे तो उसके अंदर VR बॉक्स के ऊपर दिखाए जाएंगे, तो VR बॉक्स लगाना होगा आपको, देख सकते हैं सारा बिल्कुल एकदम
बढ़िया आप इसका एक्सपीरियंस लेंगे, जिसके अंदर आपको जंगल सफारी, स्पेस वॉर और सोलो सिस्टम, अंडर वाटर सब कुछ दिखाएंगे, अंडर वाटर फिश वगैरह, मतलब कि समंदर के अंदर का सारा नज़ारा आपको दिखाएंगे इसमें। अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हैं इसकी तो देख सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है सामने। तो गाइज़ इस मेले के अंदर आपको अंडर वाटर एक्वेरियम टनल देखने के साथ साथ यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे, और साथ के साथ यहाँ पे 50 से ज़्यादा फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे फूड को भी इंजॉय कर पाएंगे। और साथ के साथ आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी राइड्स देखने को मिलेंगी, छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी राइड्स यहाँ पे लगाई गई हैं, जिनमें बड़ी राइड्स होने वाली हैं 100 रुपये की, और बच्चों के लिए जितनी भी छोटी राइड्स हैं सब 50 रुपये की हैं। और शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगाई गई है, जैसे कि 50-100 रुपये के लिए, और लेडीज़ ज्वेलरी वगैरह है, घर का सामान है, क्रॉकरी है, सब आपको बहुत सस्ती सस्ती यहाँ पर मिलेंगी। और साथ में आपको बहुत सारे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत अच्छी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और इस मेले के अंदर आने के लिए आपको 100 रुपये देने ही होंगे, और 100 रुपये आपके पूरे मेले के लगने वाले हैं, पूरी मेले की एंट्री 100 रुपये की होने वाली है, फिश एक्वेरियम देखते हुए ही आप इस मेले के अंदर एंटर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में।